छिंदवाड़ा में एक बार फिर नेहरिया कोयला माइंस की लापरवाही के चलते मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट की लापरवाही के कारण बिना जांच परीक्षण के बंद सेक्शन को चालू किया गया, जिससे यह हादसा हुआ है। परासिया के नेहरिया कोयला माइंस की लापरवाही एक बार फिर सामने आ गई है। सेफ्टी ऑफिसर की लापरवाही के चलते एक मजदूर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि माइंस के अंदर बंद ST5 सेक्शन को चालू करने से पहले उसकी जांच की जाती है, लेकिन सेफ्टी फीचरों को नजरअंदाज कर सेक्शन को चालू कर दिया गया, जिससे मजदूर की मौत हो गई। हद तो तब हो गई जब मजदूर को हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां भी डॉक्टर नदारद मिले। गौरतलब है कि पहले भी प्रबंधन की लापरवाही के चलते 6 मजदूरों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद प्रबंधन द्वारा लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। तैयारी में था तो खबर मिला कि बृजनाथ पांडे को और थोड़ा सा घबराहट हो रहा है, उसको स्ट्रेचर पे ला रहा है। तो हमने एम्बुलेंस बुला के रेडी करके ऑक्सीजन के साथ वहाँ तैयार रखे थे। तो उसी टाइम में आया, उसको हमने एम्बुलेंस में लोड करे, ऑक्सीजन लगा के यहाँ लेके आए डिस्पेंसरी। सर, जैसा कि आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, सेफ्टी सेक्शन में क्या स्ट्रेचर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? बंद सेक्शन नहीं, चालू सेक्शन है वो। नहीं, वहाँ पे क्या स्ट्रेचर की व्यवस्था थी? स्ट्रेचर थी वहाँ पे। बृजनाथ पांडे जी हैं, 1634 टोकन नंबर है, जो कि SW5 में कार्य पर कार्यरत थे। वहाँ उनको टक्कर आने से जो गिरे हैं मृत वहीं हो गए थे। बाहर आए जब उनको न सांस चल रही थी न पल्स कोई चल रहा था। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।